जय हिंद दोस्तों, मैं अरविंद सर आज फिर आपके बीच उपस्थित हूँ। आज हम लोग डिस्कस करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बारे में, ठीक है, अनुपात और समानुपात। जैसा कि हम सबको इस बात की जानकारी है कि हमारा जो कोस्ट गार्ड का एग्ज़ाम है वो नज़दीक है, और इसी वजह से हम लोगों ने पहल की है कि आपको हर दिन टॉप 20 क्वेश्चन के माध्यम से एक चैप्टर कंप्लीट कराया जाए, ठीक है। तो टॉप 20 क्वेश्चन वो संभावित प्रश्न भी हैं, और साथ साथ आप ये समझिए कि पूरे चैप्टर का जो निचोड़ होगा वो 20 क्वेश्चन में देने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं, जिससे कम दिनों में आपकी तैयारी में धार आ सके, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि चैप्टर आप देख पा रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ से। तो जैसे कि क्वेश्चन आप, ये हम लोगों ने कल की क्लास में भी पहले नंबर पर यही क्वेश्चन डिस्कस किया था, क्योंकि आप देखेंगे तो हमारे जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उनमें ये क्वेश्चन पूछा गया है ना, और इस तरह के पैटर्न आप देखेंगे अनुपात समानुपात से आता भी है। तो जैसा कि प्रश्न आपके सामने है कि ए अनुपात बी का मान दे रखा है, बी अनुपात सी का मान दे रखा है, और आपसे कहा गया है ए अनुपात बी अनुपात सी को निकालिए। क्या करेंगे भाई हम लोग, सबसे पहले ए का, बी का और सी का मान नोट करेंगे, ठीक है। जैसे कि हमें पता है ए की वैल्यू कितनी है 2, बी की वैल्यू कितनी है 3, सही है। यहाँ पे देखो फिर बी की वैल्यू कितनी है 2 और सी की वैल्यू कितनी है 5। मैंने कल बताया था आपको, क्या बताया था कि इसकी इससे मल्टीप्लाई कीजिए, इसकी इससे मल्टीप्लाई कीजिए और इसकी इससे मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है भाई। देखिए 2 × 2 = 4, फिर आप देखेंगे 3 × 2 = 6, फिर देखेंगे आप 3 × 5 = 15, मतलब 4, 6, 15, ये आपका ए ऑप्शन, ठीक है, एकदम इसका करेक्ट है। इसी तरह से बात करेंगे हम लोग प्रश्न नंबर 2 की तरफ चलेंगे। तो प्रश्न नंबर 2 में देखेंगे हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन का चैप्टर का क्वेश्चन है कि 45/5 का मध्यानुपात क्या होगा, 45/5 का मध्यानुपात क्या होगा, ठीक है। मध्यानुपात का मतलब है मीन प्रोपोर्शनल, क्या मतलब है, मीन प्रोपोर्शनल क्या होगा। तो 45/5 का मध्यानुपात की बात कर रहे हैं, तो मैं आपसे कहूंगा कि भाई कभी भी अगर मध्यानुपात पूछे, कुछ कॉन्सेप्ट लिख लीजिए, कभी भी मध्यानुपात पूछे, मीन प्रोपोर्शनल पूछे, तो आप याद रखेंगे रूट में ए बी, क्या याद रखेंगे, रूट में ए बी। और कभी भी आपसे थर्ड प्रोपोर्शनल पूछ रहा है, मतलब तृतीयानुपाती पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, तृतीयानुपाती, जब तृतीयानुपात पूछे तो आप याद रखेंगे बी स्क्वायर अपॉन ए। और कभी भी आपसे फोर्थ प्रोपोर्शनल अर्थात चतुर्थानुपात पूछे, ठीक है, जब भी आपसे चतुर्थानुपात पूछे आप छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रखेंगे बी सी अपॉन ए, ठीक है, याद रखेंगे मध्यानुपात मतलब मेन प्रोपोर्शनल, तृतीयानुपाती मतलब थर्ड प्रोपोर्शनल, चतुर्थानुपाती मतलब फोर्थ प्रोपोर्शनल। तो जैसा कि हमें मालूम है ये हमारा ए की वैल्यू हो जाएगी, ये हमारी वी की वैल्यू हो जाएगी, पूछा हमसे क्या है मीन प्रोपोर्शनल पूछ रहा है, मध्यानुपाती पूछ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे रूट ए बी, क्या करेंगे रूट ए बी, मतलब रूट 45/5, और 45/5 कितना होता है 225, और 225 का वर्गमूल क्या होगा भाई 15 होगा, क्या होगा 15। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, डी ऑप्शन, ठीक, याद रख लेंगे ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्जाम हॉल में आप देखेंगे तो मध्यानुपाती तृतीयानुपाती चतुर्थानुपाती को लेकर क्वेश्चन बना दिया जाता है, ठीक। अब हम लोग चलते हैं आज के प्रश्न नंबर 3 पर, और ये प्रश्न नंबर जो 3 है ये बहुत ही बेहद ही आसान प्रश्न है, लेकिन फिर भी आसान होने के बावजूद भी आप देखेंगे एग्जाम हॉल में आ जाया करता। तो आप इसका मतलब तो जानते ही होंगे भाई, जो चीज हमें नहीं पता उसको मान लेंगे एक्स, क्या मान लेंगे एक्स, जो चीज नहीं पता उसे मान लेंगे एक्स भाई। इसके करने के 2-3 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है, हम इसको लिख सकते हैं 5/15, क्योंकि समानुपात में क्या होता है इधर का अनुपात और इधर का अनुपात बराबर होता है, तो 5/15 = 8/x, ठीक है। हम इसको सॉल्व करेंगे 5 × 5 और 5 × 3 = 15, फिर देखेंगे एक्स एकम एक्स हो गया और 8 × 3 = 24, मतलब आंसर आपका आ गया 24, ठीक। तो आपका आंसर हो गया 24, क्लियर है। इसी तरह से हम लोग बढ़ेंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो देखिए एक और शानदार प्रश्न आपके सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 4 के रूप में। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो जनरली कह रहा है कि x
अनुपात बाई की जो वैल्यू है वो 3:4 है, आपको 4x प्लस 5y अपॉन 5x माइनस 2y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखेंगे आप जो भी यहाँ पर आपको दे रखा है, तो ये पहली वैल्यू x की होती है और दूसरी वैल्यू y की होती है। तो जहाँ x है वहाँ 3 लगाइए, जहाँ y है वहाँ 4 लगाइए। जैसे क्वेश्चन है 4x, तो 4x का मतलब है 4 × 3 प्लस 5y, मतलब 5 और y की वैल्यू कितनी बताई, 4। यहाँ पे सॉल्व करेंगे आप, 5x का मान कितना है भाई, 3, कितना है 3, ठीक है, माइनस 2y, y का मान कितना है, y का मान है 4। तो देखिए 4 × 3 = 12 और 5 × 4 = 20, अपॉन में देखेंगे आप 5 × 3 = 15 और 2 × 4 = 8, तो ये 20 और 12 32 होता है और 15 में से 8 कम करेंगे 7 आएगा, मतलब 32:7, मतलब ए ऑप्शन आपका एकदम सही है, ठीक है। इसी तरह से आप देखेंगे आपके एग्जाम हॉल में कई सारी वैल्यू रखने के लिए जब भी क्वेश्चन आए तो आप उसे इसी क्रम में बनाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 5, एक और शानदार प्रश्न आ गया, और चलिए इसको बनाइए और बताइए करेक्ट आंसर क्या आएगा इसका। देखते हैं भाई हम लोग इसको सॉल्व करके कि कह रहा है 1/6 और 1/4 का तृतीयानुपाती, मतलब थर्ड प्रपोर्शन क्या होगा। तो जैसा कि मैंने अभी बताया था, कभी भी थर्ड प्रपोर्शन पूछे तो मैंने आपसे कहा था अभी कि b² / a, क्या बताया था, b² / a लगाते हैं। तो देखिए भाई ये हमारे b का मान हो गया, ये हमारा a का मान हो गया, है ना, पहली वाली वैल्यू a हो गई, दूसरी वाली वैल्यू b हो गई। तो b का स्क्वायर करना है भाई हमको, तो b का स्क्वायर करना है, b के स्क्वायर के लिए क्या करना पड़ेगा कि हम क्या करेंगे कि जो 1/4 है इसका कर देंगे स्क्वायर, ठीक है, बटे में a चाहिए, b का स्क्वायर मतलब 1/4 का स्क्वायर कर देंगे, बटे में a चाहिए, a का मान कितना है 1/6, ठीक है, मतलब b² का मतलब 1/6 का स्क्वायर, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, देखिए थोड़ा सा यहाँ पे मैं इसको रफ कर देता हूँ, दोबारा से देखते हैं इसको हम लोग कि भाई b² का मतलब है, हाँ ठीक था, सॉरी 1/4 का स्क्वायर बटे यहाँ पर a का मतलब है 1/6। सॉल्व करते हैं भाई, हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1/16 हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 1/6 है। आपको पता होगा कि फोर्थ नंबर की चीज ऊपर जाती है, थर्ड नंबर की चीज सेकेंड नंबर पे, तो हम लिखेंगे 1/6 / 16/1, 2 × 3 = 6 और 2 × 8 = 16, मतलब 3:8, 3:8 आपका आंसर है, या 3/8, कौन सा ऑप्शन है भाई, देखिए ऑप्शन ए इसका एकदम सही है, ठीक। इसी तरह से हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ये एक और प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने कि कह रहा है 30% ऑफ बी माइनस ए इज इक्वल टू 80% ऑफ बी प्लस ए, देन फाइंड ए रेशियो बी। तो हम लोग इस प्रश्न को कैसे करेंगे भाई, बी माइनस ए की वैल्यू दे रखी है आपको 30%, बी प्लस ए सॉरी कह रहा है बी माइनस ए का 30%, बी प्लस ए के 18% के बराबर है, तो आपको बी रेशियो ए चाहिए, क्या चाहिए, बी रेशियो ए चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए सबसे पहली चीज हम लोग क्या करेंगे कि बी माइनस ए, तो हम लोग लिखेंगे b माइनस ए, और का की के का मतलब मैंने बताया था गुणा, 30% का मतलब है 30/100 इज इक्वल टू b प्लस ए का मतलब b प्लस ए लिख देंगे, का मतलब इंटू 80% का मतलब है 18/100, और 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, फिर हम लोग काटेंगे इसको 6 × 3 = 18 और 6 × 5 = 30, 6 × 3 = 18 और 6 × 5 = 30। देखिए हमारे पास यहाँ पे 5 बचा है, 5 की b से गुणा कराएंगे तो 5b हो जाएगा, फिर 5 की a से गुणा कराएंगे तो ये 5a हो जाएगा, बराबर 3 की b से गुणा कराएंगे तो 3b हो जाएगा, और 3 की a से गुणा कराएंगे तो 3a हो जाएगा, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो 5b है इसकी तरफ ले आएंगे 3b को, ठीक है, इधर हमारे पास 3a है, इधर ले आएंगे हम 5a को। तो कहने का ये मतलब है हमारे पास बचेगा 2b, क्या बचेगा 2b, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, 3, 5, 8a, ठीक। मतलब मैं आपसे कहूँ कि a अपॉन b निकालना चाहूँ
तो जैसे आप जानते हैं a अपॉन b निकालना चाहूं तो मैं क्या करूंगा भाई, a की बट्टे में b ले गया है ना, तो मैं क्या लिखूंगा 2/8। या आप ऐसे देख लीजिए, a की वैल्यू यहां पे हो जाएगी 2 और b की वैल्यू हो जाएगी 8। मैं आपको पहले बता चुका हूं ये b का मान होता है और ये a का मान होता है, 2 × 2 = 8, ठीक है, 1:4। लेकिन उन्होंने क्या पूछा आपसे, उन्होंने a अनुपात b पूछा है आपसे, क्या पूछा है, a अनुपात b, और a अनुपात b हमारा आ चुका है 1/4, मतलब c ऑप्शन हमारा ठीक है, करेक्ट है। इसी तरह से हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। 7 जो है ये देखिए बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन है, इसे सॉल्व कीजिए, देखते हैं क्या आंसर आता है आप लोगों का। इस क्वेश्चन में देखिए कि कह रहा है कि आपको 4 की पावर 3.5 है और 2 की पावर 5 है, तो इसका अनुपात क्या होगा। ठीक, तो हम लोग क्या जानते हैं भाई, कभी भी जब हम लोग अनुपात बनाए, पावर्स डिफरेंट डिफरेंट हैं, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि आधार एक जैसे बना लें। जैसे कि यहाँ पर आधार कितना है 2, यहाँ पर आधार कितना है 4, तो मतलब अगर हम आधार दोनों के एक जैसे बना लें तो शायद कुछ बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, डिविजन करने में हेल्प रहेगी, है ना। तो हम लोग 4 को हम क्या लिखेंगे, 2 की घात 2, क्या लिख सकते हैं 2 की घात 2, ऊपर कितना है 3.5, ऊपर कितना है 3.5, ठीक है। और ये देखिए आप कि यहां पर आपके पास 2 की पावर कितना है 5 है। आप जानते हैं कि 2 की पावर भाई 3.5 × 2 कितना होता है 7 होता है भाई, ऐसे देख लीजिए 2 की जब 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए आप 2 की पावर 5 है, ठीक है। अब मुझे बताओ 2 की पावर 5 है, 2 की पावर 7 है, 5 पावर्स कट जाएंगे तो 2 की पावर 2 ही तो बचेगा ना, यहाँ पे 1 बचेगा, तो यहाँ पे हमारा 2 × 4 हो गया, अनुपात 1 हो गया। कुछ लोग समझ रहे होंगे इसको कैसे काटा, तो भाई देखिए 2 की घात 7 का मतलब क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे करके लिखा होगा, ऐसे 2 की घात 5 का मतलब 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके 5 हमने कट कर दिए होंगे, है ना। तुम्हारे पास ऊपर 2 की घात 2 मतलब 2 × 4 बचा और नीचे 1 बचा, कहने का मतलब है हमारे पास जो आंसर है 4:1, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ऐसे ही पढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, 8 की तरफ, और 8 वाला प्रश्न देखेंगे और समझेंगे कि इस प्रश्न में क्या कहा गया। प्रश्न जो है वो आपसे कह रहा है यहां पर कि 2 संख्याओं का अनुपात जो है 7:11 है, ठीक है, दोनों संख्याओं में यहां लिखा होगा संख्याओं मतलब दोनों में क्या जोड़े, दोनों में क्या जोड़ा जाए कि अनुपात 3:4 हो जाए। तो हम लोग क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन के लिए, देखिए 7:11 मतलब 7/11 दे रखा है आपको, कभी भी बात जोड़ने की कहा जाए तो प्लस करेंगे, घटाने की बात कहा जाए तो माइनस करेंगे। हालांकि यहां पे प्रश्न जोड़ने का है इसलिए मैं जोड़ूंगा, क्या जोड़ दूं, तो सवाल ही आया, मैं x जोड़ दे रहा हूं, क्या जोड़ दे रहा हूं x, ठीक है। कह रहा है कि इसके अनुपात में मैं क्या जोड़ दूं जिससे अनुपात ये बन जाए, तो मैं x जोड़ दे रहा हूं, और जब x जोड़ दूंगा तो अनुपात कितना बन जाएगा 3/4, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे हम इसको, सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, भाई 4 × 7 = 28 होता है, और 4 की x मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x आएगा, 3 × 11 = 33 होता है, और 3 की x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x हो जाएगा। मतलब आप देख सकते हैं मैं 4x की तरफ ले आऊंगा 3x को, माइनस का हो जाएगा, 33 की तरफ ले जाऊंगा 28 को, तो यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे 33 में से 28 कम करेंगे तो 5 बचेगा, मतलब आपका आंसर ये ठीक है। कुछ लोग कहेंगे सर इसको हम ऑप्शन से कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कैसे, क्या कह रहा है 7/11, ठीक है, में हम क्या जोड़ दें जिससे हमारा आंसर आ जाए 3/4। तो ऐसे प्रश्न को आप ऑप्शन से भी बना सकते हैं, जैसे कि आपने पहले ऑप्शन रखा 5, आप जब इसमें 5 रखेंगे, जब आप 5 रखेंगे तो 7 × 5 = 12 हो गया, 11 × 5 = 16 हो गया, 4 × 3 = 12 और 4 × 4 = 16, ऐसे भी चेक कर सकते हो, ठीक है, ऑप्शन से भी चेक कर सकते हो। और अगर नहीं चाहते हो ऑप्शन से तो मैं आपसे कहूंगा आप कॉन्सेप्ट तैयार करो, क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर आपका तैयार है तो फिर कोई सा भी प्रश्न है आप और उसे 10 सेकंड ज्यादा जरूर लेंगे, लेकिन आप आंसर एकदम सही करके आएंगे, है ना। और ये हमारे आज के टाइम में क्वेश्चन को करेक्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन की फाइट में बच्चा लगा हुआ है। देखिए कह रहा है एक व्यक्ति जो है एक व्यक्ति
भोजन किराए और शिक्षा पर 3:4:5 के अनुपात में खर्च करता है। उसके खर्च में क्रमशः 40%, 50% और 20% की वृद्धि की जाए तो नया अनुपात क्या होगा। मतलब ये कहना चाह रहा है कि वो पहले व्यक्ति जो था वो खाने में मतलब भोजन पर, फूड पर, किराए पर मतलब रेंट पर, और शिक्षा पर मतलब एजुकेशन पर, वो पहले 3:4:5 के हिसाब से पैसा खर्च करता था, ठीक है। उसके बाद हुआ क्या कि उसके जो खर्च है उसमें अचानक वृद्धि आ गई, एक में 40% बढ़ गया, एक में 50%, एक में 20%। अब जब इतना पैसा बढ़ गया तो अनुपात तो जरूर बदला होगा, अनुपात थोड़ी पुराना रहा होगा, जब पैसे बढ़ गया तो अनुपात नया रहा होगा, तो क्या रहा होगा वही आपसे पूछा गया। मैं आपसे कहूंगा बहुत ही सिंपल तरीके से, भाई भोजन को हम फूड कहते हैं तो एफ से लिख दे रहे हैं, ठीक है। किराए को हम रेंट बोलते हैं तो आर से लिख दे रहे हैं। ऐसे ही आप शिक्षा को एजुकेशन कहते हैं तो ई से लिख दे रहे हैं। जरूरी नहीं है कि आप यही लिखें, आप भोजन किराए और शिक्षा भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए 3:4:5 दे रखा, ठीक है, क्लियर है। अब कह रहा है कि कितने कितनी वृद्धि हो गई भाई, एक में 40% की वृद्धि हो गई, एक में 50% की वृद्धि हो गई और एक में 20% की वृद्धि हो गई। तो मैं आपसे कहूंगा भाई कभी भी ऐसे प्रश्न आए, ठीक है, कभी भी ऐसे प्रश्न आए तो 100 में जोड़ के बनाया कीजिए। अभी 40% की वृद्धि हुई है तो 100+40 140 लिखेंगे, अगर कमी होती है तो 100 में से घटा के लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप 40% की वृद्धि हुई है तो मैं क्या लिखूंगा, इसको मैं थोड़ा सा स्पेस ले लेता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके कर दे रहा हूँ। देखिए क्या कहना चाह रहा हूँ, सबसे पहले आपने देखा भोजन मतलब फूड, फिर आपने देखा किराया मतलब रेंट, और फिर आपने देखा यहाँ पे शिक्षा मतलब एजुकेशन, ठीक। कितना कितना खर्च कर रहे हो, 3:4:5 इतना पैसा आप खर्च कर रहे हो। बाद में इंक्रीमेंट हुआ, आपके खर्चे बढ़ गए, भाई फूड कितना बढ़ गया, 40% महंगा हो गया, 40% महंगे का मतलब है 40% बढ़ गया, मतलब 100 में 40 जोड़ेंगे तो 140%, ठीक है। फिर 50% रेंट बढ़ गया है, मतलब 150% लिखेंगे। फिर 20% बढ़ गया, यहाँ पे हम इसको 120% लिखेंगे, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान देंगे, यहाँ पर देखेंगे आप परसेंट सबका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, जीरो सब में है तो जीरो भी कैंसिल हो जाएगा, क्लियर। बचा क्या आपके पास, 3×14, 4×15 और 5×12, ठीक है, मतलब 14×3 42 होता है और 15×4 60 होता है और 12×5 60 होता है। ये तो और भी छोटा हो सकता है, 6 से काट दीजिए, 6×7 42, 6×2 60 और 6×2 60। कहने का मतलब है 7:10:10, अर्थात सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट है, ठीक है। चलिए आज का हम लोग प्रश्न स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तो ये पहल की गई है हम लोग सुपर स्काई क्लासेस की तरफ से कि आपको आपके एग्जाम से पहले सारे चैप्टर का थ्रू आउट रिविजन भी कह लीजिए, या जो बहुत ही स्पेशल और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसकी सीरीज को बिना वक्त खराब किए आपको आपके एग्जाम से पहले तक पहुंचाया जाए। हर चैप्टर से 20 क्वेश्चन सिलेक्ट किए जाएंगे जो संभावित भी होंगे और जिनके आगे पीछे पूरा चैप्टर घूम रहा होगा, इससे क्विक रिवीजन भी हो जाएगा, कम मेहनत में आप अच्छी मेल सीख जाएंगे, ठीक है। तो क्या करना है भाई, देखेंगे प्रश्न नंबर 10 को। तो प्रश्न नंबर 10 पढ़िए आप सब लोग पहले, और पढ़ने के बाद इस क्वेश्चन को बनाकर देखिए। कह रहा है 710 रुपये ए बी सी में इस प्रकार बांटना है कि ए को बी से 40 रुपये ज्यादा मिले, सी को ए से 30 रुपये ज्यादा मिले, तो ए बी सी को कितना कितना मिलेगा। अब देखिए इस प्रश्न को कैसे करेंगे हम लोग, भाई टोटल अमाउंट कितना है, 710 रुपया, ठीक है, जिसमें से तीन लोगों को बांटना है। किन किन को बांटना है, ए को बांटना है, बी को बांटना है और सी को बांटना है। कैसे हिसाब से बांटना है, कह रहा है कि ए को बी से 40 रुपये ज्यादा मिले, मतलब बी को जितना मिला उससे 40 रुपये ए को ज्यादा मिलना चाहिए। मान लो बी को एक्स रुपये मिला, कितना मिला, एक्स रुपये, तो बताओ ए को कितना मिलेगा, फिर ए को मिलेगा 40 रुपये ज्यादा, मतलब एक्स प्लस 40। कह रहा है कि सी को ए से 30 रुपये ज्यादा मिले, सी को ए से 30 रुपये ज्यादा मिले, मतलब ए से 30 रुपये ज्यादा, मतलब एक्स प्लस 40 तो पहले से मिल रहे थे, 30 रुपये और ज्यादा मिले, ये तो क्वेश्चन है। सी को ए से 30 रुपये, मतलब ए के पास जितने रुपए हैं उससे 30 रुपये ज्यादा मिले, ठीक है। तो कह रहा है ए बी सी को कितना कितना मिलेगा,
तो ये तो हमें निकालना पड़ेगा। कैसे निकालना पड़ेगा भैया? हम सबको जोड़ेंगे, क्योंकि ए बी सी तीनों का हिस्सा 710 से ज्यादा थोड़ी होगा, इसी के बराबर होगा। तो देखेंगे भाई, हम जोड़ते हैं इसको, एक्स 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 कितने हो गए, 3x हो गए, 40 40 80 80 और 30 110 110 बराबर 710 करेंगे हम लोग। देखेंगे 3x बराबर, यहाँ पे 710 में से 110 कम करेंगे तो हमारे पास 3x बराबर 600 बचेगा, बिल्कुल बचेगा। हम इसको कट करेंगे तो ये हमारे पास 200 मिलेगा। x की वैल्यू कितनी मिल गई, 200। जब x की वैल्यू हम लोग को भाई 200 मिल गई, तो मैं पूछूं a का हिस्सा कितना होगा, भाई 200 यहाँ पे आप क्या करोगे, x का मान 200 लगाओगे, तो 200 प्लस 40 कितना हो गया, 240। आप कहोगे सर b का हिस्सा बताओ, भाई b का मान तो केवल x है और x का मान 200 है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 200। ठीक है, आप कहेंगे सर c का मान बताओ, c का मान यहाँ 200 लगाओगे, 200 प्लस 40 और प्लस 30, ये टोटल कितना हो जाएगा, 270। मतलब 240, 200 और 270, 240, 200 और 270, मतलब डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट है। ठीक है, अब हम लोग इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 11 को डिस्कस कर लेते हैं। 11 देखते हैं क्या है। देखिए भाई, ये क्वेश्चन देखिए रुपया पैसा वाला क्वेश्चन आ गया आपका, और इस क्वेश्चन को आप जरूर समझिए, क्योंकि आप समझ पा रहे होंगे आजकल रुपयों पैसों का ही खेल है भाई, और यहां से अनुपात समानुपात से ऐसे भी प्रश्न बना दिए जा रहे हैं। क्या कह रहा है, एक पर्स में 820 रुपए, जिसमें 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए के कुछ सिक्के, अच्छा जिसकी संख्या का अनुपात 4:6:9 है, तो बताइए 5 रुपए के कितने सिक्के हैं। ये तो कह रहा है क्वेश्चन, मतलब ये पता है कि पर्स में टोटल जो रुपए हैं वो 820 है, सही है, 820 रुपए हैं टोटल, ये बात समझ में आ चुकी है हम लोगों को, जिसमें से 5 रुपए, 2 रुपए, 1 रुपए, मतलब 5 के सिक्के पड़े हुए हैं। ठीक है, 5 के सिक्के पड़े हुए हैं, 2 के सिक्के पड़े हुए हैं, है ना, और 1 का सिक्के पड़े हुए हैं, लेकिन है कितने कितने सिक्के, 5 के कितने पड़े हैं, 2 के कितने पड़े हैं और 1 रुपए का कितने सिक्के पड़े हैं, ये आपको पता नहीं है, ये बताना है। लेकिन उनका अनुपात दे रखा है कि जो 5 रुपए के जो सिक्के हैं, है ना, 5 रुपए के जो सिक्के हैं वो 5 रुपए के सिक्के जो हैं वो 4:1 में पड़े, 2 रुपए के सिक्के जो हैं वो 6:1 में पड़े, 1 रुपए का सिक्का जो है वो 9:1 में पड़ा है। तो मैं क्या करूंगा, आप सबसे पहले ये चेक किया कीजिए, ये अमाउंट भी 100 रुपए में दिया है। ठीक है, मतलब सारा पूरा क्वेश्चन जो रुपए में चल रहा है, कोई पैसे में नहीं चल रहा, अगर पैसे वाला होता तो 100 रुपए बनाना पड़ता। तो हम लोग क्या करेंगे भाई, 4, 6 और 9 की बात कर रहा है, तो भाई समझिए, ये मैं इसको अगर अनुपात को तोड़ूंगा तो रेशियो में लिखूंगा या तो एक्स में लिखूंगा। तो मान लीजिए 5 रुपए के कितने, 5 रुपए के कितने सिक्के हैं, 4x रुपए। ठीक है, ऐसे 2 रुपए के कितने सिक्के हैं, आप कहोगे सर 6x मान लीजिए, ऐसे 1 रुपए के कितने, 1 रुपए के आपके 9x मान लीजिए। ठीक है, सॉल्व करेंगे भाई, 5 चौका 20, ये 20x हो गया, ऐसे ही 2 छंग 12, ये 12x हो गया, और 1 नीम 9x। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए, ये सब के सब सिक्के जो हैं वो कहीं ना कहीं, ये सब के सब जो रुपए हैं वो 820 रुपए के बराबर ही तो होंगे। ठीक, अब हम इसको जोड़ेंगे तो 20 12 हमारा होता है 32, 32 में 9 जोड़ेंगे तो हमारे पास हो गया 41x, और बराबर 820 दे रखा, हम 41 से काटेंगे, 41 2 82 होता है, तो x की वैल्यू 20 आ गई, कितनी आ गई, 20। क्या पूछ रहा है, 5 रुपए के कितने सिक्के हैं, अच्छा 5 रुपए के सिक्के कितने माने थे हम लोगों ने, 5 रुपए के सिक्के हम लोगों ने माने थे कितने, 4x, कितने माने थे, 4x, तो भाई 4 गुणा x का मान कितना आ चुका है, 20, तो हमारे पास सिक्के हो जाएंगे 80। ठीक है, अगर कहता 2 रुपए के कितने सिक्के हैं तो 6 की गुणा कर देता हमें 20, 6 2 12 120 सिक्के, अगर पूछता है 1 रुपए कितने सिक्के हैं तो 20 की 900 गुणा करता, ठीक है 20 नहीं 2 नहीं 18 होता है 180। तो इस तरह से आप आइडिया लगा सकते हो कि मतलब कौन कौन से सिक्के कितने कितने अमाउंट में। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर हम लोग 12 की बात कर लेते हैं। 12 वाला प्रश्न भी इसी प्रकार का है, लेकिन इस प्रश्न में आप देख पा रहे होंगे रुपए पैसे दोनों का खेल चल रहा है। ऐसे प्रश्न को हम लोग कैसे बनाते हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखते हैं भाई ऐसे प्रश्न को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। कह रहे एक पर्स में 110 रुपए हैं, चलिए ठीक है, एक पर्स में कितने रुपए हैं भाई, 110 रुपए। ठीक,
यहाँ पर देखेंगे आप, हमें अमाउंट दे रखा है रुपए में, और एक रुपए के, एक रुपए 50 पैसे, ये देखिए भाई पैसे का हिसाब दे रखा है, और आपको हिसाब का में चाहिए रुपए में, और 25 पैसे। ठीक है, तो मैंने आपसे क्या कहा, सबसे पहले तो ये देखेंगे 110 रुपए टोटल हमारे पास, कितने रुपए 110 रुपए। ठीक, एक रुपए की 50 पैसे की 25 पैसे के, आप देखिए यहाँ पे रुपए रुपए में मान दे रखा है, यहाँ पैसे में दे रखा है, यहाँ पैसे में दे रखा है। अच्छा, अनुपात कितना कितना है भाई, एक रुपए का एक अमाउंट में एक अमाउंट दे रखा, एक रुपए का एक सिक्का है, इसका मतलब हुआ एक रुपए का एक सिक्का, इसका मतलब हुआ 50-50 पैसे के 2 सिक्के, इसका मतलब हुआ 25-25 पैसे के 3 सिक्के। समझ लीजिए, अगर एक रुपए का एक सिक्का है तो एक से गुणा करूंगा मैं। ठीक है, तो अब आप समझिए 50-50 पैसे के 2 सिक्के हैं, तो मुझे बताओ आप लोग, अगर 50 पैसे का एक सिक्का और 50 पैसे का एक सिक्का, मैं दोनों को अगर रुपए बनाऊं तो 50 पैसे 50 पैसे कितना हुआ, 1 रुपया हुआ, है ना। तो कहने का मतलब है कि 50-50 पैसे के 2 सिक्के हैं, तो 2 सिक्कों में कितने रुपए बनेंगे, मात्र 1 रुपया बनेगा। ऐसे 25-25 पैसे के 3 सिक्के हैं, तो 25 पैसे 25 पैसे और 25 पैसे 25 पैसे 25 पैसे, भाई 25-25 पैसे 50 पैसे हो गए, 50 पैसे में 25 जोड़ेंगे 75 पैसे हो गए, 75 पैसों को जब मैं रुपए बनाऊंगा तो 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, भाग करूंगा, तुम्हारे पास आएगा 0.75 रुपए, है ना। तो ये 0.75 रुपए हो गए। ठीक है, तो मैंने क्या करा, समझ लीजिए जो भी रुपए हैं सबको रुपए में बदल लिया, 1 रुपए का एक ही सिक्का है, 50 पैसे के 2 सिक्के हैं तो 1 रुपया बन गया, 1x लिख दिया, 25 पैसे के 3 सिक्के हैं तो 75 पैसे बन गए, तो 75 पैसे लिख दिया। ये सब अमाउंट जो है वो 110 के बराबर ही तो होगा, तो मैं क्या करूंगा, इन सबको 1x और 1x 2x हो गया, 1x 1x 2x हो गया, और 2x में मैं 0.7x जोड़ूंगा तो 2.75x हो गया, और बराबर हमें दे रखा है 110। पॉइंट हटाऊंगा मैं, 2 जीरो बढ़ाऊंगा। ठीक है, अब मैं पहाड़ा जानता हूं किसका, 25 का पहाड़ा पढ़ लीजिए, चाहे कोई और पहाड़ा पढ़ना चाहे कोई और पढ़ लीजिए, जैसा आपको अच्छा लगे। ठीक है, तो मैं जैसे यहाँ पे पहाड़ा पढ़ूंगा, 25 का पहाड़ा पढ़ूंगा, तो देखिए 25 एकम 25, ठीक है, 2 बचा, फिर 25 हो गया, 25 एकम 25, मतलब हमारे पास कितना आ गया, हमारे पास आ गया 11x, और 25 से काटूंगा, देखिए 25 चौका 100 होता है, 10 बचा, फिर 0 बढ़ाया, 100 हो गया, फिर 25 चौका 100 और 0, कहने का मतलब ये ऐसे कटेगा, फिर 11 से काटूंगा, 11 एकम 11 11 चौक 46, कहने का मतलब है x का मान आ गया 40, कितना आ गया x का मान 40। जब x का मान 40 आ गया, पूछा क्या गया, 1 रुपए के कितने सिक्के हैं, भाई 1 रुपए के सिक्के तो 1x है ना, तो 1 की गुणा कर दूंगा मैं 40 से, तो हमारे पास आ जाएंगे 40 सिक्के हैं एक एक के। ऐसे बोला जाए 50 पैसे कितने सिक्के हैं, तो 50 पैसे के भी 1x, मतलब 1 की 40 से गुणा कर दूंगा। 25 पैसे का पूछता तो मैं क्या करता, मैं यहां पर 0.75 की गुणा कराता, किससे, 40 से, भाई 0 का 0, 4 पंजे 20 का 0, हासिल लगा 2, 4 7 28, 28 और 2 30, 2 के बाद पॉइंट, मतलब 30 सिक्के हैं 25-25 पैसे के। तो जिसका भी पूछा जाए आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, ये रुपए पैसे वाले क्वेश्चन जो है थोड़ा समय जरूर लेते हैं, लेकिन आप याद रखिएगा ये एग्जाम में आते भी हैं और आप इनको छोड़कर नहीं आ सकते। ठीक है, छोड़कर ऐसे प्रश्न आएंगे तो समझ जाइए आप सिलेक्शन से बहुत दूर हो जाएंगे, इसलिए ऐसे इस तरह के क्वेश्चन, इतने सिंपल क्वेश्चन तो आप नहीं छोड़िएगा और प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस आप जितनी कर लेंगे वो आपको उतना ही आपकी स्पीड बढ़ाने में भी हेल्प करेगा, आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप करेगा। कह रहे 2 संख्याओं का योग जो है 40 है और उनका अंतर जो है वो 4 है, तो उनका अनुपात ज्ञात कीजिए। मान लीजिए 2 संख्याएं हैं, एक है ए और एक है बी, इनका जो योग है वो 40 है। ठीक है, और उनका जो अंतर है, मतलब ए माइनस बी का जो अंतर है वो मान लीजिए 4 है, तो उनका अनुपात बताना है भाई। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं एक छोटी सी बात बताओ, 2 संख्याओं का योग 40 है और मैं इसको अगर इक्वेशन बना के सॉल्व करूं तो मैं कैसे करूंगा भाई, इनको अगर जोड़ू, समीकरण एक को समीकरण दो में जोड़ू तो क्या होगा बताओ। ए में ए जोड़ेंगे तो 2a हो जाएगा, b प्लस का b माइनस का कट जाएगा, 40 में 4 जोड़ूंगा 44 हो जाएगा। मैं इसको अगर कट करूंगा तो 2 दूनी 4 2 दूनी 4, तो a का मान कितना आ गया 22, a का मान कितना आ गया 22। इसी में समीकरण में ये लगाऊंगा एक में, तब भी आंसर आ जाएगा, नहीं तो आप खुद से आंसर लगाओ यार कि भाई 2 संख्याओं का योग 40 है, एक संख्या 22 है, तो दूसरी कौन सी कितनी होगी, दूसरी भाई 18 होगी, तभी तो 40 बनेगा। खुद बताओ, एक संख्या ए का मान 22 है
ठीक है, दोनों संख्या जोड़कर 40 बन रही है, तो भाई कितना जोड़ा होगा हमने 22 में की 40 हुआ तो 18, ऐसे भी निकाल सकते हो, नहीं तो समीकरण एक में लगा देना, वहां से भी निकाल लेना। तो हमारे पास ए का मान आ गया 22 और बी का मान आ गया 18, लेकिन आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया इनका अनुपात, तो हम आपसे पूछा गया ए का और बी का अनुपात, तो आपको मालूम है 22 और 18 दे रखा है, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2 और दोनों में 18, इसका मतलब है 11:9, मतलब सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट है। इसी तरह से हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे, क्वेश्चन 14 क्या कह रहा है, 14 देखिए आपके सामने आ चुका है और ये थोड़ा सा देख सकते हैं, ये एसएससी में बड़ा प्रिय प्रश्न है, एसएससी में पूछ लिया जाता है, और उसके अलावा तो आप जानते ही हैं कि भाई क्वेश्चन है कहीं भी पूछा जाएगा, लेकिन ज़्यादातर आप देखेंगे तो एसएससी सीपीओ वगैरह ऐसे कुछ एग्जाम्स होते हैं, वहाँ पर एक क्वेश्चन आपको बहुत प्रबलता से मिलेगा, बहुत बार रिपीट मिलेगा, है ना, सिर्फ डिजिट बदलेंगे, कई बार तो डिजिट भी नहीं चेंज करते हैं लोग, तो समझिए कह रहा है ए बी सी में 65,000 रुपये जो है, जो कि 1/3, 1/4, 1/2 के हिसाब से उन्हें बांटने हैं, तो सी को कितने रुपये मिलेगा ये बताना, तो मैं आपको हमेशा इसी प्रश्न में कहूँगा सबसे पहले तो अमाउंट लिखिए, ठीक है भाई, कैसे कैसे बांटना है, बांटने का जो तरीका है वो 1/3 देना है, मान लो ए को देना है, ठीक है, बी को देना है 1/4, ऐसे मान लो सी को देना है 1/2, मान लिया अपने पास से कि तीन लोग हैं ए बी सी, तो 1/3, 1/4, 1/2, कभी भी देखना फ्रैक्शन फॉर्म में होता है तो हमेशा क्वेश्चन टफ बनता है, तो टफ बनाने की जगह हम उसको इजी बनाने की कोशिश करेंगे, क्या करेंगे हम लोग 3 का 4 का 2 का एलसीएम लेंगे, 3, 4, 2 का एलसीएम कितना आता है बच्चों, 12 आता है, कितना आता है 12, तो मैं 12 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ सबको 12 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, तो देखिए 3 × 4 = 12, इसका मतलब ये 4 हो गया, 4 × 3 = 12, इसका मतलब ये 3 हो गया, 2 × 12, इसका मतलब ये 6 हो गया, ठीक है, तो मतलब ये जो अमाउंट है इन तीनों का हिस्सा ही तो 65,000 है, तो हम इसको मान ले रहे हैं 4x, इसको मान ले रहे हैं 3x, इसको मान ले रहे हैं 6x, ठीक है, इसका हिस्सा हमने मान लिया 4x, इसका मान लिया 3x और इसका मान लिया 6x, और ये तीनों मिलाकर कितने रहे होंगे 65,000, सॉल्व करेंगे हम इसको भाई, 4 × 3 = 7 और 7 × 6 कितना होता है 13, इसका मतलब है 13x अमाउंट रहा है सबके पास जो कि 65,000 के बराबर है, 13 × 5 = 65 होता है, इसका मतलब है x का मान आ गया 5,000, कितना आ गया x का मान 5,000 आ गया। अब कह रहा है सी को कितना मिलेगा, भाई सी का हिस्सा कितना था अभी बताया था मैंने, सी का हिस्सा देखिए, सी का हिस्सा 6x है, कितना है 6x, तो 6 की गुणा करूंगा मैं गुणा 5,000 से, तो 6 × 5 = 30, तो इसका मतलब है 30,000 रुपया किसका होगा, 30,000 रुपये जो है वो होगा आपका, ठीक है, सी का, तो 30,000 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर हम लोग बात कर लेते हैं 15 की, क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं, ये देखिए बहुत ही सुंदर प्रश्न है, और मैं इस प्रश्न में आपको बोलूंगा, आप लोग हंसेंगे जरूर, मैं आपसे कहूंगा इसका आंसर याद कर लीजिए, आप कहेंगे सर मैथ में भी आंसर याद करने पड़ेंगे, मैं कहूंगा बिल्कुल कर लीजिए, अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जो बहुत एग्जामों में आपको जस का तस मिल रहा है, बिल्कुल सेम टू सेम मिल रहा है, तो मैं आपसे कहूंगा ऐसे प्रश्नों के आप आंसर जरूर याद कर लें, क्यों सॉल्व करने में टाइम लगेगा, मैं आपको बताऊं अभी जूनियर सुपर टेट का एग्जाम हुआ, वहां भी क्वेश्चन मैंने देखा था, एक एसएससी का एग्जाम में मैंने इसको देखा था, उसके अलावा अब राजस्थान के एग्जाम में भी एक मैंने इसको देखा था, कहने का मतलब है कई एग्जाम्स में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है और सेम टू सेम आ रहा है, और इसका आंसर हमेशा 6 होता है, कितना होता है 6, कैसे आया देखिए इसको सॉल्व करना पड़ेगा भाई, देखिए क्या कह रहा है, ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए, इन सबका अनुपात 6:7:8 है, जिसमें ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आपको गिवन है 14 दे रखी है, सी का मान पूछा, तो मैं आपसे क्या कहूंगा, आप एक काम करिए इन सबको जोड़ लीजिए, सबको जोड़ लीजिए भाई, ए और ए कितना हो गया 2a हो गया, बी और वी कितना हो गया 2v हो गया, ठीक है, सी और सी कितना हो गया 2c हो गया, अब इनको भी जोड़ लीजिए, जब इनको जोड़ेंगे तो x लगा के जोड़िए, क्योंकि अनुपात से जब कोई चीज अलग करते हैं या तो रेशियो में लिखते हैं या x में लिखते हैं, तो 6x और 7x और 8x भाई 8 × 7 = 15x, 15 में 6 जोड़ेंगे 21x, ठीक है, अब देखिए दो कॉमन ले लीजिए, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 21x आ गया, ठीक है, a प्लस बी प्लस सी का मान आपको कितना दे रखा है 14 दे रखा है, तो आप यहां पे लगा दीजिए 14 बराबर 21x है, 7 × 21 होता है और 7 × 2 = 14 होता है,
तो 2 × 4 हो गया, ये 3/3 में चला जाएगा, तो x का मान आ गया 4/3। कितना आ गया? x का मान आ गया 4/3। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसी क्रम में हम लोग देखेंगे, अब हमसे पूछा है c की वैल्यू। अब c की वैल्यू कैसे मिलेगी? c की वैल्यू तो बेटा तभी मिलेगी जब a प्लस बी प्लस सी में से ए बी काट दूं, तभी तो c मिलेगा भाई। ए बी काटने का मतलब कोई ठेका थोड़ी ऐसे काट देंगे भाई, ए बी का मतलब ए बी घटाएंगे, ए बी को हम क्या करेंगे, घटाएंगे। अब कहोगे सर ए प्लस बी प्लस सी का मान तो आप निकाल चुके थे, कितने निकाल नहीं चुके थे सर, दिया था कितना 14 माइनस ए प्लस बी का मान। आप कहोगे सर ए प्लस बी का मान तो ये वाला होगा 6x, क्योंकि b प्लस सी का मान 7 हो गया, c प्लस सी का मान 8 हो गया। इसका मतलब a प्लस बी का मान हो गया 6x। कितना हो गया? 6x। अब कहोगे सर x का मान कितना है? आप कहोगे सर x का मान है 6 × 4/3। अब 3 से काटोगे 3 × 2 जा, तो 14 माइनस 2 × 4 = 8। 14 में से 8 कम करेंगे तो कितना आएगा? 6, जो कि मैं आपको पहले बता चुका था कि आपका आंसर होगा 6। इस प्रश्न को आप बिल्कुल याद कर लीजिए, ठीक है, सेम टू सेम फॉर्मेट में, बिना डिजिट चेंज हुए, बिना ऑब्जेक्टिव चेंज हुए, ये क्वेश्चन कई एग्जाम्स में देखने को मिल रहा है। तो मैं चाहूंगा कि ये अगर मिल रहा है तो इसका फायदा उठाया जाए। अब देखिए एक और सुंदर सा प्रश्न है, एक और सुंदर सा प्रश्न है आपके सामने, देख पा रहे होंगे आप। क्वेश्चन है, कह रहा है 1:1/2 बाय 1:1/3 के व्युत्क्रम का अनुपात बताइए, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द इनवर्स ऑफ द स्क्वायर। बच्चों यहाँ पे ये होगा 1:1/2 बाय 1:1/3 के वर्गों का व्युत्क्रम। यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन ऐड कर लीजिए, वर्गों का व्युत्क्रम का अनुपात बताना है, ठीक है, के वर्गों का व्युत्क्रम का अनुपात बताना है, ठीक है। तो मतलब 1:1/2 का मतलब क्या होता है भाई, 2 × 1 = 2 और 1 × 3/2, 3/2 का वर्ग कितना होगा? 9/4, ठीक है, सही है, अनुपात दे रखा है। कह रहा है इसके और इसके वर्गों का, इसका हमने वर्ग कर दिया, 3 × 3, 3 × 3, 3 भाई देखिए अनुपात निकाल रहे हैं हम लोग ऐसे करके, 3 × 3 और 1 × 4, ये 4/3 लिखा है, इसका आएगा भाई 4 × 16 और 3 × 3 = 9, हमने वर्ग कर दिया। अब हमें वर्ग कर दिया, अब हमें इसका व्युत्क्रम करना है। व्युत्क्रम का मतलब समझ गए, व्युत्क्रम का मतलब होता है अपोजिट करना। अब अपोजिट कैसे करेंगे, मतलब इन अनुपातों को उल्टा करेंगे, मतलब हम लिखेंगे 4/9, ठीक, इसको हम क्या लिखेंगे, 9/16, क्या लिखेंगे, 9/16। कैसे कट करेंगे, देखिए ये 4/9 है, ये 9/16 लिखा जाएगा, आप जानते ही, यहां पहुंचेगा यहां पहुंचेगा, तो 16 × 4 हो गया 64 और 9 × 9 हो गया 81, तो 64 और 81 जो कि आपका ऑप्शन है ए, ठीक है। इसी क्रम में हम लोग बात कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की। 17 देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, इसकी भी भाषा समझते हैं। कह रहा है 6A, 4B और 9C, व्हाट इज रेशियो ऑफ ए रेशियो बी रेशियो सी। तो मैं आपको बोलूंगा बहुत आसान तरीका, क्या आसान तरीका, कि अगर आपको सपोज करो ए की वैल्यू फाइंड करनी है, आपको निकालना है ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना, ठीक है, तो आप अगर ए की वैल्यू निकाल लो तो ए को छुपा लीजिए, ए को छुपाएंगे तो 4 × 36, ठीक है, बी की वैल्यू चाहिए तो बी छुपा लीजिए तो 6 × 54, सी की वैल्यू चाहिए तो 6 छुपा लीजिए, 6 × 24, ठीक है। अब इसको छोटा कर लीजिए, छोटा कैसे करेंगे भाई, 6 × 36 होता है, ठीक है, और 6 × 54 होता है, और 6 × 24 होता है, ठीक है, तो 6:9:4, 6:9:4 जो कि डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट है, ओके। ऐसे क्वेश्चन हम लोग बात करेंगे 18 की, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे, क्वेश्चन 18 देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 को भी समझ लेते हैं। 210 रुपए को राम और श्याम के बीच 7:3 में हमें बांटना है, तो दोनों को द्वारा प्राप्त धन बताना है कितना था। तो सुनिए, रुपए थे कुल 210, ठीक है, हमने 7x रुपए दे दिए किसको, राम को, हमने 3x रुपए दे दिए किनको, श्याम को, ठीक है। तो बताओ ये जो कुल रुपए होंगे वो कुल रुपए के बराबर होंगे, तो 7 और 3 कितना होता है 10x,
बराबर 210 करेंगे, एक जीरो से एक जीरो कट कर दिया, तो भाई एक एक्स का मान मिल गया 21, कितना मिल गया 21, तो बताओ राम के पास कितने होंगे, 21 सत्ते कितना होता है, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, 147 रुपये। श्याम के पास कितने होंगे, श्याम के पास देखिए कितने होंगे भाई, 21 63, तो आपका आंसर हो जाएगा 147:63, मतलब ए ऑप्शन एकदम आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 जो है कह रहा है एक गांव में स्त्री पुरुषों का अनुपात 5:3 है, यदि स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या से 40 अधिक है तो स्त्री और पुरुषों की कुल संख्या बतानी है। मतलब गांव में स्त्री और पुरुषों का अनुपात दे रखा है, मतलब स्त्री मतलब फीमेल्स और पुरुष मतलब मेल, कितना कितना दे रखा है, जो फीमेल्स हैं वो 5x है और जो मेल हैं वो 3x है। ये तो कह रहा है पहले स्त्री दिया है तो ये 5x हो गया, फिर बाद में पुरुष दिया है ये 3x हो गया। फिर कह रहा है यदि स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या से 40 ज्यादा है, मतलब स्त्रियां जो हैं ये 40 ज्यादा है, ये 40 ज्यादा है किससे भाई, मेल से, तो हम लोग क्या करेंगे, देखो हमारा कहने का मतलब है कि 5x + 40 बराबर किसके बराबर है, 3x के, तो 5x की तरफ आप ले आइए 3x को, इधर ले जाइए 40 को, तो यहाँ पे बचेगा 2x = 40, हम 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे 20 बार में, तो x का मान आएगा 20, जब x का मान 20 आ गया तो पूछा जा रहा है स्त्री और पुरुषों की कुल संख्या बताइए, तो भाई सुनिए मैं आपसे बोलूँ पुरुष कितने आएंगे, पुरुष कितने आएंगे भाई, तो 20 यहाँ लगाएंगे तो 20 × 30 20 × 3 मतलब 60, 60 तो होगा मेल, फिर यहाँ लगाऊंगा मैं 20 × 5 = 100 भाई, जाहिर सी बात है x का मान 20 लगाऊंगा तो 20 × 5 = 100 और 100 में 40 जोड़ूंगा तो 140, मतलब 140 और 60 कितना होता है, 200 होता है, जो कि सी ऑप्शन आपका सटीक एकदम सही हो जाएगा। ऐसे हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 जो कि हमारे आज के इस चैप्टर का अंतिम प्रश्न है, और मैं आपसे आशा करूंगा कि आप ये प्रश्न अगर 20 क्वेश्चन भी अगर आप लगा लेते हैं तो आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन अनुपात और समानुपात की बहुत बढ़िया सुंदर सी समझ भी आपके अंदर बन जाएगी, और साथ ही साथ यहाँ से कराए गए प्रश्न भी आपको एग्जाम हॉल में मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो क्या करेंगे भाई, हम लोग समझते हैं इस प्रश्न को, ये प्रश्न क्या कहता है, इस प्रश्न को भी समझ लेते हैं। ये जो प्रश्न है कह रहा है यदि ए अनुपात बी बराबर दे रखा है आपको, ठीक है, बी अनुपात सी का मान दे रखा है, सी अनुपात डी का मान दे रखा है, आपसे कह रहा है ए बी सी डी का मान बताओ, तो सुनिए क्या करेंगे हम लोग, हमारे पास ए का मान दे रखा है, बी का मान दे रखा है, ठीक है, सी का मान दे रखा है और डी का मान दे रखा है, भाई ए बी का मान कितना दिया है 4 और 5, बी सी का मान कितना दिया है 6 और 9, सी डी का मान कितना दिया है 15 और 19, ठीक, कैसे करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई करने का तरीका समझ लीजिए, मल्टीप्लाई जब भी करें तो देखिए एक तो ऐसी मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है, और एक ऐसी मल्टीप्लाई कीजिए और एक ऐसी मल्टीप्लाई कीजिए और एक ऐसे करके खत्म हो जाएगा, देखिए 4 × 6 × 15 अनुपात 5 × 6 × 15 फिर अनुपात, ठीक है, फिर करेंगे 5 × 9 × 15 फिर अनुपात, फिर करेंगे 5 × 9 × 19, यहाँ पर डिजिट काफ़ी खतरनाक दिए हैं इसलिए परेशान मत होना, हम इसको छोटा कर सकते हैं, देखिए कैसे 5 से काट सकते हैं, 5 × 3 = 15, 5 से 5 कट गए एक बार में, ओके 5 × 3 = 15 और 5 से कट गया एक बार में, और भी छोटा कर सकते हैं, क्यों भाई छोटा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, देखिए कहीं से कुछ कट रहा होगा, 3 से काट सकते हैं क्या, बिल्कुल काट सकते हैं, 3 × 2 = 6 फिर 3 × 2 = 6 फिर 3 × 3 = 9 और फिर 3 × 3 = 9, क्या अभी भी छोटा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, देखिए 3 से कटा 5 बार में, 3 × 5 = 15, 3 ए कट गया 3 ए कट गया ये वाला, ठीक है, तो बचा क्या आपके पास, आपके पास बचा फाइनली 4 × 2 = 8 और 2 × 5 = 10 और 3 × 5 = 15 और यहाँ पे बचा 19, कितना बचा 19, देखिए क्या कोई ऐसा ऑप्शन है 8 10 15 19 8 10 15 19,
जो कि आपका ऑप्शन है 20। ठीक है, तो आप, मैं आपसे बार बार यही कहना चाह रहा हूं कि हम लोग हर दिन टॉप 20 क्वेश्चन उठाएंगे हर चैप्टर के, और उसके माध्यम से हम अपना पूरा सिलेबस बहुत ही कम दिनों में, मतलब 15 से 20 दिनों में फिनिश करने का पूरा प्रयास करेंगे। बस आप लोगों का सहयोग चाहिए। ठीक है, चलिए।